हमारा कार्यकर्ता तो दिन रात और हमेशा तैयार रहता है, चुनाव कभी आ जाए, चुनाव आया है इसका मैं स्वागत करता हूं और हम इस चुनाव में सफल होंगे। राहुल गांधी रथ यात्रा निकालने वाले हैं हरियाणा में, क्या लगता है? कोई कुछ भी निकाले, लेकिन इन कांग्रेस के इन बातों का कोई असर हरियाणा की जनता पर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 10 साल पहले जो पूर्व में भूपेन्द्र हुड्डा की 10 साल की सरकार रही, उस समय हरियाणा की जनता ने जो भोगा, उस समय हरियाणा की जनता जिस प्रकार से पिसी, जिस प्रकार का धींगा मस्ती का राज उस समय होता था, आज भी जब हरियाणा की जनता उसको याद करती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर हरियाणा की जनता इतना भूलने वाली नहीं है, उन चीजों को याद रखती है। चुनाव को नाते से लेना चाहिए, चुनाव को ऐसा नहीं है कि चुनाव को बहुत आसानी से लेना चाहिए, क्योंकि आमने सामने जब दो प्रतिद्वंदी होते हैं तो उनको अपनी बड़ी ताकत से चुनाव लड़ना होता है। भारतीय जनता पार्टी इसको डट करके चुनाव को लड़ेगी और तीसरी बार अपनी जीत को दर्ज करेगी। सर, भूपेन्द्र सिंह हुड्डा लगातार ये कह रहे हैं कि 36 बिरादरी का साथ उनके साथ है और इसी वजह से वो चुनाव जीत भी जाएंगे। मैंने कहा इस क्लेम करने से कुछ नहीं है, आखिर उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को दूर किया अपने से, उन्होंने एससी समाज को दूर किया, उन्होंने बहुत से ऐसे केवल एक मुख्य समाज को छोड़कर के बाकी सबको लोगों को दूर रखा, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन जिस प्रकार की जातिगत राजनीति उन्होंने उस समय की, ऐसी जातिगत राजनीति से हरियाणा की जनता ऊपर उठ के सोचेगी, क्योंकि हमने जैसे 2014 में हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात कही थी, वही हरियाणा एक हरियाणवी एक की बात दोबारा कहते हैं, और हमने 3C को समाप्त करने की बात कही थी, उसमें करप्शन, क्राइम और कास्ट पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी शासन करती है, यही हमारा प्रचार पहले था, यही हमारा प्रचार अब है। धन्यवाद। सर खत्म हो जाता है।